उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्लास टेंथ में क्वेश्चन है, ये बोर्ड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज गिवन बाय cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b इनटू cos, पहले इतना ले आते वो तो आ ही जाएगा क्योंकि cos को किसमें चेंज कर लेंगे sin में। अच्छा तो यहां से हमें देखिए देखने से ही पता चलता है कि tan से मुझे किसमें जाना है, cos वगैरह cos में जाना है sin में जाना है, तो मैं इसको LHS ले लेता हूँ और LHS में tan square की जगह मैं क्या लिख दूंगा sin square a by cos square a minus tan square b की जगह sin square b upon cos square b। डिनोमिनेटर तो आपको तुरंत मिल गया, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके LHS ले लेंगे, ये हो जाएगा, पहले मैं डिनोमिनेटर बना रहा हूँ, क्या हो जाएगा cos square a into cos स्क्वायर b, जिसको कि cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a भी लिखा जा सकता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ भी cos स्क्वायर है यहाँ भी, लेकिन एंगल अलग है, ये a है ये b है, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। अगर cos स्क्वायर a होता तो क्या आता, केवल cos स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b माइनस ये sin स्क्वायर b ऐसे ही रहेगा into cos स्क्वायर a की जगह हम cos स्क्वायर a इधर जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए बचा के मुझे क्या रखना है, cos और cos, मतलब किसे हटा दूं मैं sin को, तो sin को हटाने का स्टाइल क्या है, sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर है, लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये cos स्क्वायर भी तो बैठा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर माइनस लगा है लगा दूंगा, ठीक है, sin स्क्वायर भी को मैं ब्रैकेट में लेकर क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर भी, और cos स्क्वायर a तो बैठा ही हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a, कोई डाउट है, और देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b into 1 is cos स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर b क्या होता है cos स्क्वायर a डॉट cos स्क्वायर, ठीक, फिर यहां ध्यान दें जब ये वाला ब्रैकेट आप खोलोगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है ना, देखिए माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर into 1 is cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b into cos स्क्वायर a, अब ध्यान से देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, देखिए cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर b नेगेटिव का, cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर b पॉजिटिव का, these two gets cancelled और आंसर आ जाएगा cos square b minus cos square a, क्या आ गया cos square b minus cos square a upon cos square b to cos square a, ये RHS का कौन सा पार्ट आ गया first, ये RHS का आ गया first पार्ट, अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे लेके आएंगे, हमको किसमें ट्रेवल करना है कॉस से साइन में, तो ये कॉस स्क्वायर बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखिए कॉस स्क्वायर बी की जगह मैं क्या रख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई डाउट है, फिर ये माइनस लगा है लगा देंगे और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, अब देखिए 1 तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, अब देखिए 1 पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस sin square b upon cos square a into cos square b which is equals to the RHS second part, okay, करिए इसको, हमको बोला जाता है sin a minus cos b sorry sin a minus sin b upon cos a plus cos b plus cos a minus cos b upon sin a sin a plus sin b कितना लाना है 0,
एक बात और आपको पता होनी चाहिए, देखिए जीरो कब आता है, देखिए इधर ध्यान से, जब न्यूमरेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में कोई भी क्या हो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का आंसर कितना आता है जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो बट समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए यहां पर मैं LHS अगर लेता हूं तो LHS में अगर मैं LCM ले लेता हूं, ओके देखिए क्या हो जाता है, ये LCM ऐसा मैं लेता हूं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा cos A plus cos B into sin A plus sin B, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर ध्यान दें थोड़ा सा, जब sin A minus sin B और sin A plus sin B होगा मल्टीप्लाई तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, A minus B into A plus B, A square minus B square, क्या हो जाएगा ये sin square A minus sin square B plus। अब ध्यान से देखिए ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा cos A plus cos B into cos A minus cos B, A square minus B square, मतलब cos square A minus cos square B। अब ध्यान से देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, नो ये एंगल अलग है, यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर बी, एंगल अलग है, जो पास जो सेम एंगल वाले उनको पास पास ले आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में रखिए, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस b into sin a plus sin b। इधर ध्यान से देखिए sin square a plus cos square a कितना होता है 1, माइनस यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, क्या हो जाएगा sin square b plus cos square b, sin चेंज हो जाएंगे, माइनस अगर कॉमन लूंगा तो sin चेंज हो जाएंगे, sin square b भी पॉजिटिव cos square b भी पॉजिटिव, ठीक। और डिनोमिनेटर में जो है वो तो ऐसे ही रहेगा cos a plus cos b into sin a plus sin b, ये भी कितना हो जाएगा 1। ध्यान हमको ये रखना है कि हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, sin square theta plus cos square theta 1, मतलब theta theta मैच करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a और a मैच कर रहा था, यहाँ पर b और b मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये भी कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 upon something is, ठीक है, तो यहीं पर मैं कर दूं इसको, तो देखो cos a plus cos b into sin a plus sin b is equals to 0 upon, ये पूरा आप लिख देगा, that will be equal to 0 is equals to RHS, okay, ये हो गया, इसके बाद कुछ hot question देखेंगे हम।